नहीं ज्यादा भीड़ है पिकनिक का कि सब मछली भड़क गया, भाग गया जंगल में। बहुत दुख की बात है कि भैया अफसोस की भैया देख रहे हैं डांग लेके आए हैं बड़ा सा मछली मारने। इतना भीड़ लगा दिया है कि सब मछली भाग गया है। नेक्स्ट टाइम हाँ शांति पूर्वक में आएंगे। सभी जो परिवार खा के यहाँ पर बोटिंग भी किया जाता है जो कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर एरिया काफी बड़ा है यहाँ पर जो कि यहाँ पर बोटिंग किया जाता है। भैया इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कितना पैसा लेते हैं। हेलो जोहार नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो दोस्तों। एंड आज अभी हम झारखंड के खूंटी जिला में स्थित है और आज हम एक खूबसूरत वाटरफॉल आप लोग को दिखाने के लिए आए हुए हैं जो कि खूंटी जिला में स्थित है। और ये जो वाटरफॉल है काफी खूबसूरत नज़ारा है इस वाटरफॉल का, जिसे झारखंड में लोग परिवार घाग वाटरफॉल के नाम से जानते हैं। तो आइए आज आप लोग को यही जो वाटरफॉल है यहाँ पर आए हुए हैं हम लोग, और चलिए आज जो वाटरफॉल है उनका कवरिंग करेंगे और जो वाटरफॉल का नज़ारा है वो आप लोग को दिखाते हैं। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड अभी हम लोग बाइक अपना पार्किंग कर दिए हैं, उसके बाद यहाँ का जो परिवा घाट का जो नज़ारा है वो कवर करके आप लोग को दिखाएंगे चारों तरफ का। तो चलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स अभी हम लोग जो है वाटरफॉल में नीचे लम रहे हैं एंड हमारे साथ हमारे गुरुजी हैं और हमारे परम मित्र जो कि सुमेश, जो कि आप लोग देख सकते हैं हमको तो और जानते होंगे। हाँ इनको हमेशा और वीडियो सब में भी आते हैं, और हमारे गुरुजी जो कि आप लोग कभी देखे होंगे। और चलिए जो ये नज़ारा है वो आप लोग को अभी दिखाते हैं वाटरफॉल का। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है फ्रेंड्स, अभी यहाँ से थोड़ा मोड़ा जो है वाटरफॉल दिख रहा है उधर है, और अभी हम लोग सीढ़ी से नीचे लम रहे हैं। और बाकी ये जो वाटरफॉल है फ्रेंड्स काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। ये जो परेवा घाग वाटरफॉल काफ़ी यूनिक नाम सा है, एकदम लगता है थोड़ा सुनने में और बोलने में भी काफ़ी गड़बड़ाहट टाइप से लगता है जो वाटरफॉल है इनका नाम सुनने में। और चलिए जो नज़ारा है वो आप लोग को दिखाते हैं यहाँ का। काफ़ी लोग यहाँ पर अभी पिकनिक बनाने के लिए आए हुए हैं और हम लोग भी यहाँ पर पिकनिक बनाने के लिए आएंगे, उनका जगह देखने के लिए आए हुए हैं अभी। और देखिए यहाँ पर बड़े भैया जी अभी मछली बचाने के लिए मारने गए थे लेकिन मछली फंसा नहीं। इतना ही ज्यादा भीड़ है पिकनिक का कि सब मछली भड़क गया, भाग गया जंगल में। बहुत दुख की बात है कि भैया अफसोस की भैया देख रहे हैं डांग लेके आए हैं बड़ा सा मछली मारने। इतना भीड़ लगा दिया है सब मछली भाग गया है। नेक्स्ट टाइम हाँ शांति पूर्वक में आएंगे। अभी यहाँ पर मछली किस लिए नहीं बाजा, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर क्या बोले पिकनिक बनाने आया है, तो अभी पूरा हल्ला बल्ला हो रहा है, तो मछली सब अभी भाग गया है। अभी चलिए बने रहिए, काफी इंजॉयमेंट आप लोग को दिखाते हैं यहाँ का नजारा। सुमेश ब्रो कैसा लग रहा है जगह? अच्छा है। थोड़ा लाउडली बोलो भाई, कैसा लग रहा है जगह? बहुत ही खूबसूरत है, उधर देखो नहाने वहाँ से देखने में कितना अच्छा लगेगा। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा है फ्रेंड देखने में। हम लोग को लगा था कि जो परिवा घाग है वो अच्छा नहीं होगा, लेकिन हम लोग यहाँ आए और देखे परिवा घाग तो काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत जगह है फ्रेंड। आप लोग भी आइए घूमिए और पिकनिक बनाइए, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है यहाँ पर। और यहाँ पर काफ़ी लोग अभी दूर दूर से आए हुए हैं पिकनिक बनाने के लिए, जो कि आप लोग देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पर पिकनिक बनाने के लिए आए हुए हैं, और हम लोग भी आने वाले हैं इसी जगह पे पिकनिक बनाने के लिए। और देखिए जगह काफ़ी प्यारा खूबसूरत है। किधर जाइएगा? चलिए उधर आगे जाते हैं। चलो सुमेश ब्रो कौन जगह? मैं इधर सुन ले, उधर तुम तो यहाँ आया है ना रे? सुमेश ब्रो आया है एक बार, हम लोग का फर्स्ट टाइम है। और देखिए सभी लोग यहाँ पर अभी पिकनिक बनाने के लिए आए हुए हैं। बंदर वो देखिए वहाँ पर बंदर है फ्रेंड्स, काफी प्यारा देखिए हल्का हल्का दिख रहा है, बहुत दूर में है बंदर सब उधर।
का सर? और पुल टूटा हुआ था। देखिए सभी लोग पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पर कैसे आए हुए हैं अपना। इधर तो बंद करा ले सर, इधर बंद करा ले ब्रो, इधर बंद किया हुआ है, उधर टिकट होता है। और इधर जाने के लिए देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आप लोग यहां आते हैं और अगर इधर जाना है पुल से उधर, तो आप लोग को यहां पर टिकट लेना पड़ेगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं। कितना रुपया टिकट का ब्रो? 5 रुपया दे के आप लोग को इधर से नीचे इधर पार होना पड़ेगा आगे जाने के लिए, जो पुल है यहां से। अब चलिए अभी हम लोग दिखाते हैं आगे का नज़ारा। और इधर बोटिंग भी है फ्रेंड्स, जो कि आप लोग देख सकते हैं, इधर बोटिंग भी किया जाता है। देखिए अब कैसे ले आगे ले जाया जाता है पता नहीं हमको, चलिए दिखाते हैं आप लोग को। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी जो परेवा खा के यहाँ पर बोटिंग भी किया जाता है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर एरिया काफ़ी बड़ा है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर बोटिंग किया जाता है। भैया इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कितना पैसा लेते हैं और कितना देर यहाँ पर घुमाते हैं। भैया यहाँ पर कितना देर तो बोटिंग कराते हैं आप लोग? एक बार में मतलब कितना रुपया लेते हैं और कितना घंटा, मतलब कितना देर यहाँ पर बोटिंग कराते हैं आप लोग? बस कितना देर तक होता है बोटिंग यहाँ पर? भैया बोल रहे हैं कि यहाँ पर 5 मिनट कम से कम बोटिंग कराते हैं और 50 रुपया लगता है यहाँ पर। ये जो एरिया आप लोग देख रहे हैं, दिखाइए इधर का एरिया, और 50 रुपया यहाँ पर लेते हैं और बोटिंग कराते हैं। लगभग 5 से 7 मिनट कराएंगे यहाँ, जो कि आप लोग देख सकते हैं। बोटिंग कुछ इस तरह से बनाया गया है फ्रेंड्स, और देखिए बोटिंग कुछ इस प्रकार से बनाया गया है। कुछ लोगों को यहाँ पर घुमाने के लिए ले जा रहे हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर काफी बड़ा जगह है फ्रेंड्स बोटिंग का। और यहाँ पर नेटवर्क काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क एक भी नहीं दिखने को मिल रहा है, लग तो रहा है ऐसा ही। और देखिए यहाँ पर चारों तरफ पूरा पहाड़ का एरिया है, और बीच में जो है खदान टाइप से है, और उसी में पानी पूरा भरा हुआ है, और वहीं पर बोटिंग किया जा रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। पानी किधर से आता है? लेकिन ऊपर से आता है, ऊपर फॉल है उधर, और ऊपर उधर वाटरफॉल है, जो उधर से पानी इधर नीचे आता है और इधर पार हो जाता है। लेकिन इधर जाने के लिए पूरा टिकट लेता है भाई साहब, 5 रुपया एक व्यक्ति का, देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए ब्रो सब, इधर का जो टिकट है हम लोग ले लिए हैं, और इधर जो पुल है यहाँ से पार होके आगे जाते हैं, और आगे का जो नज़ारा है वो आप लोग को दिखाते हैं। चलिए देखिए पुल का ये नज़ारा काफ़ी बेहतरीन टाइप से दिखता है फ्रेंड्स यहाँ पर। खूबसूरत नजारा है वो, देखिए उधर फॉल, काफी प्यारा नजारा दिख रहा है फ्रेंड्स, पूरा काफी मजा लग रहा है देखने में इधर का वाटरफॉल। आप लोग भी आइएगा घूमने के लिए इस वाटरफॉल में, काफी खूबसूरत नजारा वहां का दिख रहा है फ्रेंड्स। देखिए काफी प्यारा है एकदम आर्ट, बहुत खूबसूरत नजारा है यार। और अगर ये जो सीन देखना है फ्रेंड, तो आप लोग को वहाँ पर वो जो दिख रहा है पुल, वहाँ पर 5 रुपया दे के आप लोग को इधर टिकट कटा के आना पड़ेगा इधर, और इधर आने के बाद इधर का जो नज़ारा है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और मेन लोकेशन हुए है वाटरफॉल का, जो कि देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो मेन लोकेशन है वहाँ पर आ चुके हैं, और काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है जो ये प्लेस है वो देखने के लिए। मेन लोकेशन जो कि आप लोग देख सकते हैं, उधर जो मेन वाटरफॉल है फ्रेंड्स, जो ऊपर से पानी गिरता है, वो नज़ारा आप लोग देख पा रहे होंगे, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। और चलिए यहाँ का जो
परेवा घाट का है, चारों तरफ का कवरिंग करके आप लोग को जो नज़ारा है वो आप लोग को वीडियो में दिखाते हैं। और आप लोग को कैसा लगेगा वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप लोग वीडियो देखिए मज़े से और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लग रहा है आप लोग को वीडियो। किधर गए वो? किधर चल गया सर? पिकनिक बनाने के लिए एकदम बेस्ट जगह है झारखंड में, ऐसा खूबसूरत खूबसूरत नज़ारा है ना देखने के लिए, क्या ही बोले फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है फ्रेंड्स। ये जो वाटरफॉल है ना, दिल छू गया, इतना प्यारा लग रहा है देखने में। पानी पूरा हरा हरा दिखता है यहाँ तो, वीडियो में पूरा हरा हरा दिखता है यहाँ तो, ये देखो दिख रहा है। आई होप फ्रेंड्स कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, परेवा घाट का आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड चलिए आप लोग चैनल नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये जो वाटरफॉल है ये जो झारखंड का खूंटी जिला में स्थित है फ्रेंड, और कैसा लगा आप लोग को ये वाटरफॉल आप लोग ज़रूर बताइएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मज़ेदार के लिए, तब तक के लिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।